ओके गाइस, तो आज हम लोग एक बॉक्स को अनबॉक्स करने वाले हैं। इसके अंदर में है लिक्विड कूलर। हमने पिछले वीडियो में इस सीपीयू कूलर का इस्तेमाल किया है। ये है एक एयर कूलर जो कि अराउंड 1000 के अंदर में आ जाता है। सीपीयू कूलिंग का बात किया जाए तो हम लोग तीन ऑप्शन मिलता है। एक तो हो गया एयर कूलर, एक हो गया एक लिक्विड कूलर जो कि इसके अंदर में है, और तीसरा ऑप्शन जो है बहुत ही लग्जरियस ऑप्शन है जो कि कस्टम कूलिंग, और उसके लिए अराउंड 50,000 का बजट चाहिए होता है। 1000 के अंदर में आ जाता है। ये हमने जो ऑर्डर किया है ये अराउंड 7000 के अंदर में आ जाता है। ये कोर्सर की तरफ से आता है, और इसका मॉडल और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए पहले अनबॉक्स कर लेते हैं इसको। तो देख सकते हैं ये वाला है H100 RGB अल्ट्रा लो नॉइस। देख सकते हैं कुछ कुछ दिया हुआ है क्या क्या मिलता है इसके अंदर में। तो देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे पेपर्स है, वायर्स है, ये रेडिएटर है, पेन है, और ये सॉकेट है सीपीयू को लगाने के लिए, और ये भी सॉकेट है इसको माउंट करने के लिए। ये रहा जो भी उसके ऊपर में रहेगा पंप, और ये सब कुछ स्क्रूब्स। देख सकते हैं कुछ कार्ड एंड वारंटी कार्ड, इसको बगल में रखते हैं। ये रहा उनका मेन आइटम जो कि है रेडिएटर और पंप। इसको इसी तरह करके रखना है, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, और ना ही हम लोग करने वाले हैं फिलहाल, क्योंकि इसके अंदर में एक्चुअल लिक्विड है जैसे कि वाटर। वाटर आएगा एक पाइप से, और एक पाइप से गर्म वाटर जाएगा। इसमें ऑलरेडी थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, इसको ऐसे हम लोग निकाल देने वाले हैं। हम लोग एक्स्ट्रा थर्मल पेस्ट लगाने वाले हैं। और ये रहा दो फैन जो कि 8GB है और काफ़ी बड़ा भी है। इसके अलावा और बॉक्स में ये रहा जेल जिसको कि थ्रो अवे टू नॉट ईट। बहुत सारा सामान है, सॉकेट्स और बहुत सारा स्क्रूस। यही रहा अनबॉक्सिंग, और देख सकते हैं ये सब मिलता है हम लोगों को। इसका जो फ़ैन है वो 8GB फैन ही है। आप मदरबोर्ड से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस कूलर गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कौन सा हार्डवेयर आता है। सारा का सारा हार्डवेयर आ जाने के बाद हम लोग इसे वीडियो चालू करेंगे।